हेलो बच्चे लोग, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू आवर चैनल शेखर इंग्लिश ट्विटर। आई एम शेखर सर एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न फर्स्ट स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट 5 लेसन नंबर 3। आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 3 आपके यूनिट 5 का। बच्चों तो मेरे साथ देखिए, चैप्टर का आपका नाम है, थर्ड चैप्टर आपका यूनिट 5 का है, अ सरप्राइज फॉर ग्रैंडमा। अभी सरप्राइज ग्रैंडमा का क्या है वो हमको जानना पड़ेगा। वो जानने के लिए आपको इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक जो है वो आपको इस वीडियो को देखना पड़ेगा और बने रहना पड़ेगा, ताकि हम समझ पाए और जान पाए कि जो ग्रैंडमा का जो सरप्राइज है वो क्या है। तो चलिए शुरू कर दें। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि सबसे पहले हम जो है लाइंस रीड करते हैं, आपको बताता हूं, आप ध्यान से देखिए और इसको समझिए। संडे इज अ हॉलीडे, सोहन एंड स्वीटी आर गोइंग टू विजिट ग्रैंडमा एंड ग्रैंडपा। हेलो ग्रैंडमा, हेलो ग्रैंडपा। अब संडे का जो है वो टाइम है, ठीक है, संडे का दिन है, छुट्टियों का दिन, छुट्टी का दिन है। सोहन और स्वीटी जो है आए हैं अपने दादा और दादी जी से मिलने के लिए, ठीक है, दादी और दादा से मिलने के लिए आए। तो आके सीधा बोलते हैं हेलो ग्रैंडमा एंड हेलो ग्रैंडपा, हेलो दादाजी और हेलो दादी जी, ठीक है। आगे देखिए क्या दिया हुआ है, मिलती है यहाँ पे दादी जो, देखिए बच्चा कैसे जो है गले मिल रहा है अपनी दादी से। ग्रैंडमा हैज बीन बिजी टुडे, शी हैज क्लीन ऑल द रूम्स एंड शी हैज वाइप्ड ऑल द विंडो। और ग्रैंडमा जो है आज वो बहुत ज्यादा बिजी है, क्योंकि वो जो है आज जो अपने पूरे के पूरे रूम जो है वो साफ करने वाली है। शी हैज वाइप ऑल द विंडोज, जितने भी विंडो की जो खिड़की है, जितनी भी खिड़कियां हैं वो सबको जो है वो साफ करने वाली है। आर यू टायर्ड ग्रैंडमा, अब ये किसने पूछा। लेट्स गिव अ ग्रैंडमा अ रेस्ट टुडे, जस्ट सिट एंड हैव अ रेस्ट। अब वो बच्चे जो पूछ रहे हैं कि आप क्या टायर्ड हो चुके, थक गए हैं क्या ग्रैंडमा, दादी माँ आप थक गए हो क्या, तो आज आपको हम क्या कर देंगे, आज हम आपको रेस्ट देंगे, आज आप कुछ नहीं करोगे, जस्ट सिट, आपको सिर्फ बैठना है एंड हैव अ रेस्ट, आप क्या करो आराम करो कि दादी माँ बहुत काम कर रही है। कम ऑन सर सोहन, कम ऑन स्वीटी, ठीक है। यहाँ भी ये कौन बोल रहे हैं, उनके जो है वो ग्रैंडफादर जो है वो बोल रहे, ग्रैंडपा बोल रहे हैं कि कम सोहन और स्वीटी तुम दोनों आ जाओ। एंड सोहन स्वीटी वर्क इन द किचन एंड दे आर बिजी। अब वो क्या करते हैं, किचन में चले जाते हैं बच्चे और बिजी हो जाते हैं अपने काम को लेके। कम टू द किचन ग्रैंडमा, कम एंड सी। अब जो है बच्चे बाद में बोलते हैं ग्रैंडमा को कि ग्रैंडमा, दादी माँ आप आइए किचन में और देखिए। तो देखिए जैसे दादी माँ आती है किचन में, वो कैसे उनका रिएक्शन होता है, ओ सूप सैंडविचेस एंड सैलेड, व्हाट अ ट्रीट। ग्रैंडमा डू यू लाइक बनाना डिलाइट, ठीक है, ओ आई लव इट। अब देखिए जैसे वो किचन में पहुंचती दादी माँ, तो जैसे वो देखती है कि सूप बने हुए हैं, सैंडविचेस बने हुए हैं, सैलेड भी है, तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, बोलती है व्हाट अ ट्रीट, कितना अच्छा आपने मुझे ट्रीट दिया है आपने। ग्रैंडमा डू यू लाइक, तो उन्होंने पूछा कि आपको बनाना पसंद है क्या ग्रैंडमा, तो बोलती हाँ आई लव इट, मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है वो। आगे देखिए क्या बोलती है ग्रैंडमा, एंड नाउ देयर इज अ सरप्राइज फॉर यू। और अब जो है उनके पोते जो है, पोते पोती है जो सोहन और स्वीटी है, वो बोलते हैं और अब आपके लिए एक जो है हमने सरप्राइज रखा है ग्रैंडमा, वो भी आप देख लीजिए। सो ग्रैंडमा ओपन दिस पार्सल, आप उनको जो है देखिए पार्सल दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये पार्सल आप क्या करिए ओपन करके देखिए। ओ अ मोबाइल फोन, व्हाट अ सरप्राइज। लेकिन जैसे ग्रैंडमा जो है वो पार्सल अपना ओपन करती है, उस पैकेट को जो जैसे अनरैप करती है, जैसे ही करती है वो देख के जो है वो सरप्राइज हो जाती है, बोलती है वाओ एक फोन दिया है। बट लेकिन क्यों बोलती है ग्रैंडमा वो देखिए। ग्रैंडमा नो बर्ड्स नाउ, आई नो योर प्रॉब्लम, यू डोंट नो हाउ टू यूज दिस, बट डोंट वरी वी विल ऑल हेल्प यू। तो बच्चे क्या बोलते हैं, नहीं लेकिन ये आप मत बोलिए, हमें पता है आप बोलोगे कि मुझे तो फोन यूज करना नहीं आता, मैं कैसे करूंगी, सो आई नो आपकी प्रॉब्लम जो है हम समझते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी जो है चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम आपको बताएंगे कि इसको कैसे यूज करना है, डोंट वरी आपकी पूरी मदद जो है हम करेंगे, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ आपका ये जो है ग्रैंडमा का जो सरप्राइज था आपको पता ही चल गया होगा कि क्या था सरप्राइज लेसन में, उनको जो एक अच्छा सा उनके पोते और पोतियों ने उनको मोबाइल गिफ्ट किया था। तो क्या आपने भी कभी अपने ग्रैंडपा या ग्रैंड मॉम को कभी भी कोई ऐसा सरप्राइज जो है गिफ्ट दिया है? अगर दिया है बच्चों तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में तुरंत बताओ कि कौन सा गिफ्ट दिया है मुझे, ठीक है। और अगर नहीं दिया है तो क्या आप देना चाहते हो फ्यूचर में, तो अगर वो भी देना चाहते हो तो कौन सा देना चाहते हो, कौन सा वो गिफ्ट रहेगा, वो भी फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ताकि आपके कमेंट्स पढ़ो तो मुझे पता चले कि आप कितना ज्यादा अपने ग्रैंडपा और ग्रैंडमा से प्यार करते हैं, कितना उनका केयर करते हैं।
ओके, तो इसी के साथ ये आपका वीडियो जो है वो खत्म होता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको तुरंत देंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यहाँ पे साइड में रखी होगी उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही जितने भी लेसन और पोएम है वो इजिली मिलते रहे। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।